The opposite sides, the quadrilateral in which the opposite sides are parallel to each other, okay, usko hum parallelogram bol dete hain. So, in triangle ABC and triangle ADC, hum ye kahenge ki ye wala angle, is wala angle ke equal hoga. So, angle CAB, angle CAB is equal to x plus y. So, angle
angle A is equal to angle C. So angle A is equal to angle C. ये हो गया. उसके बाद देखिएगा कि हम ये कहेंगे सिंस ट्रायंगल एसीबी सिंस ट्रायंगल एसीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीएडी देयरफॉर अब हमारा टारगेट क्या देखिए ये वाले दोनों एंगल तो इक्वल हो गए ना एंगल सी और एंगल ए एक्स प्लस वाई के इक्वल हो गए. अच्छा उसके बाद एंगल अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि बी डी के इक्वल है या नहीं है. तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर थर्ड प्लेस पर लिखा हुआ है बी और इस वाले एंगल का एंगल बी यानी कि क्या लिखेंगे एंगल बी डी सी और इस वाले का एंगल डी इसको लिख दो एंगल सी डी ए ठीक है. अच्छा एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी तो ये हो गया ना पूरा का पूरा ये ठीक है और एंगल सी डी एंगल सी डी ए वो ये हो गया तो यानी कि ये एंगल इज इक्वल है. इट इंप्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. ये हो गया प्रूफ. यही हमको प्रूफ करना था. ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं. ठीक है आगे चलते हैं. थ्योरम नंबर थ्री था ये. उसके बाद थ्योरम नंबर फोर है वो देखिएगा. द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर बाइसेक्ट ईच अदर. पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बनाइएगा पैरेललोग्राम ये हो गया पैरेललोग्राम और एबीसीडी
ये एंगल इस एंगल के बराबर हम क्या बोलेंगे कि पहले तो लिखा है AOD, तो AOD वाले एंगल से दे रहे हैं ना, तो एंगल DA को तो ये कर लेना क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यूज तो वही करना पड़ना कि पैरेलल साइड्स है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो एक बार ये डायग्राम वाला मतलब थ्योरम वन जो प्रूव करेंगे, थ्योरम वन फटाफट से प्रूव करके दिखा देंगे शुरुआत में। अब हमारे पास क्या हो गया, क्या यूज कर रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, यानी कि इंटर एंगल साइड है, पहले एंगल है फिर दूसरा एंगल और फिर साइड है, एंगल है एंगल है और फिर साइड है। तो बाई ए एस साइड होती तो हम बोल देते एंगल साइड तब ऐसे बोल देते, तो एंगल एंगल साइड इस तरीके से, ठीक है। तो भाई ए ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल ट्रायंगल, अब देखिए दो एंगल हैं और एक साइड है, तो मेजॉरिटी में एंगल्स हो गए फिर से। तो जब मेजॉरिटी में एंगल्स हो गए तो हमें एंगल्स ही लेने हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिएगा इसका एंगल ओ इसका एंगल ओ, तो यहाँ पर लिख दो ओ, इधर भी ओडी को और इधर भी ओडी को, इसका एंगल ए इसका एंगल सी, इधर देखो ए पहली प्लेस पर ए लिख लो, पर सी आपके दूसरे पर लिख सकते हो, ए इधर लिख लो और इसका सी है, तो जब पहले प्लेस पर ए लिखा है तो पहले प्लेस पर सी लिखा है, ठीक है। अब अल्फाबेट बचा कौन सा, डी बचा तो डी को लास्ट में लिख लो, और इसका कौन सा बचा, बी बचा तो बी को लास्ट में लिख लो, तो ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, तो ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल सी ओ डी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारा टारगेट क्या है कि ए ओ इज इक्वल टू सी, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देख लो, इसकी पहला दूसरा अल्फाबेट ए ओ, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट सी ओ, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट ओ डी, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट ओ डी, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट ए डी, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट सी ओ, ए डी इज इक्वल टू सी ओ, बाई सी पी सी पी। हमारे काम की तो ये दोनों चीज़ें हैं, इट इम्प्लाइज दैट ई ओ इज इक्वल टू सी ओ, ई ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड ओ डी मतलब ओ बी मतलब बी ओ और ओ डी मतलब बी ओ, बी ओ इज इक्वल टू बी ओ। दैट इज डायगोनल्स ऑफ आर डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाईसेक्ट ईच अदर, ठीक है भाई। देखो ये ए ओ जो है ये सी ओ के इक्वल आ गया, तो ये इसको काट कौन रहा है, इसको बी डी तो काट रहा है, तो इस डायगोनल ने तो इस डायगोनल को बाईसेक्ट कर दिया,
और बीओ इज इक्वल टू डीओ आ गया, तो इस बीडी को कौन काट रहा है, एसी काट रहा है, तो एसी ने बीडी को बाइसेक्ट कर दिया और बीडी ने एसी को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो डायगनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिया, ये हमको प्रूव करना था, समझ गए। चलिए जी, ये थ्योरम्स कंप्लीट हुई, अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 द लेजर सॉल्व। अच्छा, ये जो चार अपने प्रॉपर्टीज करी है, चारों प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो एक तो ये हम करेंगे, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये भी हमने प्रूव करा था। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी यही वाली थ्योरम नंबर 4, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्टिंग। अब इनको क्वेश्चंस में हम यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज का प्रूफ डायरेक्टली पूछा जाता है, इस वजह से करवाया था, ठीक है। वो ये नहीं कहेंगे प्रॉपर्टी 1 प्रूव करो, प्रॉपर्टी 2 प्रूव करो, बस एक लाइन लिख कर दे देंगे, प्रूफ दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो आपको करके दिखाना होगा। एग्जाम्पल मत देखिएगा, द मेजर्स ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम सारे एंगल्स पता नहीं, तो जरा देखिएगा, उन्होंने अपोजिट एंगल्स दे लिए ना पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वैल्यू निकाल लेंगे इस द अपोजिट एंगल्स
x की वैल्यू 13 हो गई, फिर x की वैल्यू हो गई 13, therefore angle A is equal to angle Z, तो equal ही है दोनों angle, तो आप चाहे 3x minus 2 लेना चाहे 63 minus 2 लेना, तो 3x minus 2, तो 3 into 13 minus 2, 13 3 जा 39, 39 minus 2 is 37, तो हो गया 37 degree, ठीक है? उसके बाद इसके बाद देखिएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए। हाँ जी सर, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल तो एंगल ए कितना आया 37, एंगल बी की वैल्यू कितनी ली है हमने y, एंगल सी भी 37, एंगल डी की वैल्यू भी y 360 डिग्री, 37 प्लस 37 इज 74 डिग्री और y प्लस y इज 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2y इज इक्वल टू 360 माइनस 74, y is equal to 10 minus 4 is 6, 10 minus 4 is 6, इधर बचा 5, 15 minus 7 is 8, 10 minus 4 is 6, 15 minus 7 is 8, 26, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 14 सा, 23 सा, ठीक है? तो y का y आ गया 143, इसका मतलब angle B is equal to angle D is equal to 143 degrees, clear? ठीक है? चलो जी, उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 2, द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी angles of a quadrilateral ABCD are equal. Full stop. Is it a parallelogram? Why or why not? Is it a parallelogram? पहले तो ये बताना है कि क्या ये parallelogram है? है? Is it a parallelogram? Why? और वाई नॉट, तो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स, वही एंगल इक्वल ले लिए, ठीक है? और एंगल डी निकालेंगे, तभी
ऑलरेडी अज्यूम करके कर रखा है इस क्वेश्चन को. यहाँ पर इन्होंने ऐसे कहा है कि लेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये मान लिया. ठीक है, फिर ये कहते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो ये हो गई हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी. D is equal to 360 degree minus 225 degree. ठीक है, तो 10 minus 5 is कितना आ गया? 135 degree. ठीक है, तो हम ये कहेंगे but here angle A is equal to angle C. अपोजिट एंगल्स जो है ना एंगल ए और एंगल सी हो गए, तो एंगल ए तो एंगल सी के इक्वल है, लेकिन जो एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल नहीं है. तो हम ये कहेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल टू बी अ पैरेललोग्राम. कुछ भी ले लो, 60-60 ले लो, 60-60 ले लो, तब भी क्या होगा कि जो चौथा एंगल है, मतलब हमको ये देखना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये तो आ गया, लेकिन जो दूसरे अपोजिट एंगल्स हैं वो भी तो इक्वल होने चाहिए. एंगल ए और एंगल सी तो इक्वल आ गया, लेकिन सिर्फ एक 90 वाला केस है, उसमें ये रेक्टेंगल हो जाएगा पूरा. बस रेक्टेंगल पैरेललोग्राम बिल्कुल, पर वो एक ही केस है, बस एक केस है. मैं लिख रहा हूँ अभी हियर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बट angle B is not equal to angle D. That is, it is not a parallelogram. It can be a parallelogram. Only all its angles are equal that is all angles equal to 90 degree. बस एक केस में ही ऐसा हो सकता है, बाकी सभी केसेस में ऐसा नहीं होगा या और कोई भी केस इस तरीके का नहीं निकल के आएगा. 90 degree तो आप दिखा सकते हो, लेकिन ये कह रहे हैं थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इज इट अ पैरेललोग्राम. तो आप एक केस दिखा देंगे कि भाई 90 डिग्री में तो हो सकता है, लेकिन बाकी कोई आप और किस कितने भी एंगल आप इक्वल ले लें तब नहीं होगा. ठीक है ना, बस इतना कर लीजिए, बाकी कर देंगे.